खाद्य सुरक्षा सहायक आयुक्त ने बताया कि उत्पादकों और रीपैकर्स को वर्ष में अपनी रिटर्न भरनी होती है, लेकिन कोविड के चलते कुछ उत्पादक और रीपैकर्स अपनी रिटर्न नहीं भर पाए थे, इसलिए FSSI ने उन्हें छूट में अवधि में कुछ छूट दी थी, लेकिन अब इसमें निकल चुका है। अब FSSI ने नोटिस जारी कर दिया है कि जिस भी उत्पादक ने समय पर रिटर्न जमा नहीं करवाई, उसे अब रिटर्न जमा करवाने के साथ साथ जुर्माना भी भरना होगा। अगर वह समय रहते रिटर्न नहीं भरेगा तो उसके खिलाफ और भी सख्त कार्यवाही अमल में लाई जा सकती है। ये जानकारी खाद्य सुरक्षा सहायक आयुक्त LD ठाकुर ने दी। खाद्य सुरक्षा सहायक आयुक्त LD ठाकुर ने बताया कि FSSI ने रिटर्न भरने की तारीख बढ़ाकर 31 जुलाई कर दी थी, लेकिन कुछ उत्पादकों और रीपैकर्स ने रिटर्न नहीं भरी है, इसलिए FSSI ने 100 रुपए प्रतिदिन का जुर्माना उत्पादकों और रीपैकर्स पर लगाया है। उन्होंने सभी से आग्रह किया है कि उत्पादक और रीपैकर्स जल्द से जल्द अपनी रिटर्न जमा करवाएं, अन्यथा जुर्माने की रकम दिन प्रतिदिन बढ़ती जाएगी। जो एनुअल रिटर्न थी, जो मैन्युफैक्चरर और रीपैकर हैं, उनको साल में एक बार अपने एनुअल रिटर्न फॉर्म D1 और D2 पर सबमिट करनी पड़ती है, तो वो 31 मई को वो बाउंड थे कि 31 मई तक वो अपनी रिटर्न सबमिट करनी थी उनको, तो FSSI ने वो डेट भी 31 जुलाई तक बढ़ा दी थी। तो अब जो लोग FBO मैन्युफैक्चरर जिन्होंने अब भी रिटर्न नहीं दी है, तो उनको 100 रुपीज़ पर डे के हिसाब से लेट सबमिशन के लगेंगे।